नमस्कार दोस्तों, 7 जून 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज। पहली न्यूज़ है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लेके। देखिए, पंजाब, तमिलनाडु और केरला सबने 90% से ज़्यादा स्कोर किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में। ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कब का है? 2019-20 का इंडेक्स है ये, ठीक है। अभी क्या है ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गुजरात की पहले रैंक थी सेकंड नंबर पे, गुजरात 8वें नंबर पे आ गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनका जो स्कोर है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पे वो कम हुआ है। अब ये परफॉर्मेंस इंडेक्स नापता क्या है? ये मॉनिटर करता है वो प्रोग्रेस को जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दिखा रहे हैं स्कूल की एजुकेशन में। और स्कूल की एजुकेशन में किस चीज़ को लेकर? तो लर्निंग आउटकम्स, बच्चे कितना सीख रहे हैं, एक्सेस एंड इक्विटी, तो किस हद तक बच्चों के पास स्कूल का एक्सेस है और पढ़ने लिखने में क्या उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन या डिफ्रेंसिएशन तो नहीं हो रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज का स्टेटस चल रहा है, गवर्नेंस और मैनेजमेंट प्रोसेस वहाँ पे किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो स्कूल एजुकेशन को एक होलिस्टिक बेसिस पे इम्प्रूव करने के लिए और अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में कॉम्पिटिशन लाने के लिए कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इस प्रकार के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लाया गया, ताकि अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपने अपने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स करें और ओवरऑल एजुकेशन का लेवल बने। ये तीसरा ऐसा इंडेक्स है जो रिलीज़ हुआ है और यहाँ पर 70 इंडिकेटर्स का प्रयोग किया गया इस रैंकिंग को निकालने के लिए, इस इंडेक्स को निकालने के लिए टू बी प्रिसाइज। इसमें से 16 इंडिकेटर्स पहले जैसे ही हैं जो कि ऑलमोस्ट 3 एडिशंस में इस्तेमाल किए गए। यहाँ पे आप देखोगे कि जो डाटा इस्तेमाल किया गया है वो 2017 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे का डाटा है। 2017 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे ने कक्षा 3, 5, 8 और 10 के स्टूडेंट्स के ऊपर ही सर्वे किया था और उस सर्वे के आधार पे कहीं ना कहीं इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के स्कोर्स आ रहे हैं। अगला जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होना था वो 2020 में होना था, बट ऑब्वियसली पैंडेमिक के चलते बहुत सारी चीज़ें एक्सटेंड हो गई हैं, पोस्टपोन हो गई हैं, तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी यहाँ पे पोस्टपोन हो गया है। फिर नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 के डाटा के बजाय और जो 54 पैरामीटर्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं उसमें केंद्र सरकार के डाटाबेसेस का इस्तेमाल किया गया है। स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से समय समय पे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है 2018-19 में जो इकट्ठी की गई थी उसको यहाँ पे इकट्ठा किया गया और उसके बेसिस पे यहाँ पे एक रैंकिंग दी गई है। अब बात करते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या होता है। तो इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, देख लीजिए, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ स्कूल्स फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया aimed at understanding the health of the education system and government aided school. तो सरकारी स्कूलों में या फिर सरकार से मदद मिलने वाली स्कूलों में बेसिकली ये देखा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम की हेल्थ कैसे चल रही है और उस एजुकेशन सिस्टम की हेल्थ के आधार पर जो अलग अलग सरकारें हैं वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं, अपने प्लान्स बनाती हैं और पेडागोगिकल इंटरवेंशंस करती हैं। पेडागोगी क्या होता है? पेडागोगी होता है पढ़ाने का तरीका, वे ऑफ टीचिंग, क्या लेवल का कंटेंट है आपका, ये बहुत हद तक पेडागोगी पे डिपेंड करता है। तो पेडागोगिकल इंटरवेंशन मतलब स्कूलों में पढ़ाने के तरीके को और इम्प्रूव करवाने के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे के रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके पॉलिसी में, प्लानिंग में और पेडागोगिकल इंटरवेंशन में सरकारें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है ये एक प्रकार का हेल्थ चेक दे रहा है एजुकेशन सिस्टम को, जिससे हम लोग कभी कभी जाके अस्पताल में अपना ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, हेल्थ चेक करवाते हैं, उसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम का यहाँ पे हेल्थ चेक हो रहा है थ्रू दिस नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है। और यहाँ पे जो हेल्थ चेक हो रहा है ये होलिस्टिकली हो रहा है, स्कूल, होम, टीचर्स, सारे फैक्टर्स को यहाँ पे खंगाला जा रहा है। अभी इस हेल्थ चेक में फिर यहाँ पे कैसे कंडक्ट किया जाता है ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे? तो भैया एनसीईआरटी ने इसके लिए दो सेट ऑफ टेस्ट बुकलेट्स बना रखी हैं पर ईयर, कक्षा 3 के लिए और कक्षा 5 के लिए यहाँ पे 45 क्वेश्चंस होंगे और कक्षा 8 के लिए यहाँ पे 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है भाई। तो ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे में इन कक्षा के लोगों को इतने इतने सवाल देके इनके सवालों के जवाब के बेसिस पे किया जाता है कि कितना सीख रहे हैं। फिर और भी कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि प्यूपल क्वेश्चनेयर के थ्रू सवाल पूछे जाते हैं बच्चों से, टीचर क्वेश्चनेयर के थ्रू टीचर से सवाल पूछे जाते हैं, स्कूल क्वेश्चनेयर होता है जिसमें स्कूल के रिस्पेक्ट में सवाल होते हैं और ओवरऑल एक होलिस्टिक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जाती है एक रिस्पेक्ट में कि भाई वहाँ पर एजुकेशन कैसी चल रही है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इशूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज में न्यूज़ काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक चैनल को शेयर नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करवाइए। गुरु दक्षिणा देनी है तो बस इतनी ही दे दीजिए। उसके साथ साथ भाई आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी, मेरे बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जो मैं डेली वेबसाइट पे अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ उन
वेबसाइट के लिंक्स भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। डेली के बेसिस पे वेबसाइट पे जो करंट अफेयर्स अपलोड हो रहा है वो उसको ज़रूर चेक कर लें। उसमें बहुत से करंट अफेयर्स ऐसा है जो कि कभी कभी डेली न्यूज़ एनालिसिस में सुबह सुबह डिस्कस नहीं हो पाता, तो शाम तक डिटेल्ड आर्टिकल्स अपलोड हो जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले समय में अपने वेबसाइट पर अपलोडेड आर्टिकल्स को भी आपके साथ डिस्कस करके आपको समझाऊँ। साथ साथ अच्छा लगे तो आप चैनल को ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट आप मुझे भेज रहे हो जिसको मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है, उनको मैं फिर से डिस्कस करूँगा। मैं दोबारा डाउट्स डिस्कस नहीं करूँगा। डाउट सॉल्विंग शॉर्ट्स में यूपीएससी प्रिपरेशन टिप्स वाली प्लेलिस्ट में मैं जो सवाल ऑलरेडी टेकअप कर चुका हूँ उनको दोबारा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि रिपीटेड वीडियोज़ एक ही टॉपिक पर बनाने का बार बार मतलब नहीं है। इसलिए आप पहले इन प्लेलिस्ट की वीडियोज़ को देख लीजिए, जाके वहाँ पर देख लीजिए, हो सकता है आपके सवाल को ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ओडिशा फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरस हिट हार्ड। देखिए पैंडेमिक चल रहा है, पिछले साल जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी उस समय भी एक न्यूज़ निकल के आई थी कि जो उड़ीसा के फॉरेस्ट डवेलर्स है, फॉरेस्ट डवेलर्स मतलब जो ट्राइबल पीपल होते हैं जो फॉरेस्ट में रह के फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करते हैं और आसपास के मार्केट में जाके बेचते हैं, इसको आप NTFP भी कह सकते हो, यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी कह सकते हो। तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ये लोग पैदा करते हैं, जाके मार्केट्स में बेचते हैं। क्या क्या आता है इसमें, तो साल लीव्स हो गए, सियाली लीव्स हो गए, महुआ फ्लावर्स हो गए, मैंगो कर्नल, करंजा सीड्स, चार सीड्स, टेमरेंड, इस प्रकार के बहुत सारे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जिनकी काफ़ी डिमांड होती है अर्बन मार्केट्स में। तो ये फॉरेस्ट से इकट्ठा करते हैं ट्राइबल्स और जाके जो खरीदने वाले ट्रेडर्स आते हैं उनको बेच देते हैं। अब हुआ ये कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि COVID-19 के पैंडेमिक के चलते जितना नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन फॉरेस्ट ट्रेडर्स ने पैदा किया उतना पूरा ये बेच नहीं पाए। जो थोड़े बहुत ट्रेडर्स खरीदने के लिए आ रहे थे वो इनको बहुत कम दाम दे रहे थे। एक्चुअली में मार्केट में डिमांड कम है और ये ट्रेडर्स बोलते हैं कि भाई हमें इतने दाम पे बेचो नहीं तो हम तुम्हारा खरीदेंगे ही नहीं सामान। तो उसके चलते एक तो डिमांड कम है, ऊपर से बहुत सारा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बिक नहीं रहा है, ऊपर से यहाँ पे ट्रेडर्स बहुत कम दाम दे रहे हैं। तो ये जो फॉरेस्ट डीलर्स हैं इनको ये डर लग रहा है कि यार बिका ही नहीं तो उससे अच्छा है तो सस्ता बेच दो। तो इस चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि ट्रेडर्स इन ट्राइबल्स को काफ़ी उल्लू बना देते हैं, इनको लूट से लेते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचने वाले जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उड़ीसा के, वो यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं। अब इनकी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है, तो देखिए ट्राइफेड के अंदर, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो ट्राइफेड ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रमोट करता है कुछ केंद्र को जिनको बोला जाता है वन धन विकास केंद्र। ये जो वन धन विकास केंद्र, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो माइनर फॉरेस्ट नॉन टिम्बर प्रोड्यूस है जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स पैदा कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस्ड ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स मार्केट में अच्छे दामों पर बेच पाएँ, ये इंश्योर करना काम है वन धन विकास केंद्र का। क्योंकि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये वन धन है, ये उस फॉरेस्ट की वेल्थ है जिसको मार्केट में बेचना है और ट्राइबल्स को अच्छे पैसे दिलाने हैं। लेकिन वन धन विकास केंद्र जिनको ट्राइफेड प्रमोट करता है ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे, एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पा रहे, यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जैसा कि मैंने बताया बहुत सी चीज़ आती हैं, बैम्बू हो गया आपका, केन्स हो गया, फॉडर हो गया, लीव्स, गम्स, वैक्सेस, डाइज, रेजिन्स और बहुत प्रकार के फ्रूट्स जैसे कि नट्स, वाइल्ड फ्रूट्स, हनी, लैक, टसर। तो इस प्रकार की चीज़ें सब्सिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं लोगों को, कैश इनकम प्रोवाइड करती हैं जो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, तो भाई फूड और फूड एडिटिव्स जैसे कि एडिबल नट्स, मशरूम्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, गेम। फिर फाइबर्स में कह सकते हो फर्नीचर, क्लॉथिंग, यूटेंसिल्स में यूज़ होते हैं, रेजिन, गम्स, प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं मेडिसिनल, कॉस्मेटिक और कल्चरल पर्पजेस में। तो इस रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका नाम है ट्राइफेड। ट्राइफेड एक नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव बॉडी है जिसका मैंडेट क्या है, टू ब्रिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन द कंट्री बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द ट्रेड ऑफ MFP एंड सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कहने का मतलब ये कि एक नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव बॉडी है जिसका टारगेट ये है कि ट्राइबल्स जो हैं देश में उनके लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आना और ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो ट्रेड है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, प्लस ये जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो इलाका है जो कल्टीवेट किया जाता है इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट लाना, ट्राइबल्स की मदद करना, मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस करना, इस प्रकार के बहुत तरीके के काम करता है ट्राइफेड। मेन काम यह है कि जो भी प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं ट्राइबल्स के द्वारा उनको मार्केट तक पहुँचा के उनको सही दाम दिलवाना। 1987 में ट्राइफेड बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर काम करता है, ये मार्केट डेवलपर की तरह भी काम करता है और सर्विस प्रोवाइडर की तरह भी काम करता है। प्लस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ट्राइबल्स को एम्पावर करना उन नॉलेज से
उन टूल्स से जिससे वो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से काम कर पाएँ और उनका प्रोडक्ट मार्केट में काफ़ी मार्केटेबल भी हो। और इस रिस्पेक्ट में ट्राइबल पीपल की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको चीज़ें समझाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाना, उनकी मदद ट्राइबल्स तक पहुँचाना, इस प्रकार की नाना प्रकार की एक्टिविटीज़ में ट्राइफेड इन्वॉल्व है। जनरल स्टडीज पेपर टू में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंट्रल एंड स्टेट्स, में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार रीइटरेट्स स्पेशल स्टेट डिमांड। बहुत लंबे समय से बिहार अपने लिए स्पेशल स्टेट की डिमांड कर रहा है। एक्चुअली में हुआ ये है कि रिसेंटली नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज हुए हैं 2020-21 के, और यहाँ पे एज यूजुअल बिहार ने गंदा परफॉर्म किया। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर का ये बोलना है कि भाई चूंकि बिहार की परफॉर्मेंस यहाँ पे ख़राब है, तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी बहुत लंबे समय से डिमांड कर रही है, फिर से डिमांड कर रही है कि अब बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। अभी बिहार की परफॉर्मेंस गंदी तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से क्या होगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, मतलब वो स्कीम्स जो कि केंद्र सरकार ने इनैक्ट की हैं, और उन स्कीम्स के लिए नॉर्मल अगर केसेस में केंद्र सरकार 60% पैसा देती है और स्टेट 40% पैसा ख़त्म करते हैं, कुछ स्टेट्स में सरकार 80% पैसा देती है, स्टेट्स 20% पैसा ख़त्म करते हैं, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट में हर स्कीम के लिए 90% पैसा केंद्र की सरकार देती है और केवल 10% पैसा स्टेट्स को ख़त्म करना पड़ता है। तो एक मेजर अमाउंट ऑफ पैसा केंद्र की सरकार की तरफ से आता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करते हैं। चूँकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में होगा ये कि आपको पैसे की हेल्प ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन केंद्र की सरकार बहुत मुश्किल से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देती है। उसका रीज़न ये है कि अभी हर स्टेट को अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देखने लोगे तो सब मांगने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स सच में डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। एक तो वो मेनलैंड से कटे हुए हैं, दूसरा वहाँ पे ज़्यादा बिजनेस जाके इस्टेब्लिश होते नहीं है, तीसरा वहाँ की टेरेन मुश्किल है, पहाड़ी इलाका है। तो इन सब चीज़ों के चलते एक लिमिट से ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकता नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, तो भाई केंद्र सरकार से पैसा भेजना पड़ेगा। लेकिन बिहार जैसा स्टेट जहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है, जहाँ पे प्लेन इलाका है, उतने पहाड़ नहीं है, उस स्टेट को कहीं ना कहीं स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस केंद्र सरकार नहीं देना चाहती। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। वैसे तो हमारे संविधान में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए कोई प्रोविजन है ही नहीं, केंद्र सरकार ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पैसा देता है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वालों को पैसा थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो कंसेप्ट है ना, ये 1969 में इवॉल्व हुआ था जब गदगिल फार्मूला आया था, और गदगिल फार्मूला के चलते ये बोला गया था कि भाई स्टेट वाइज आप सेग्रीगेशन कर सकते हो, किसको ज़्यादा पैसा देना है, किसको कम पैसा देना है। अभी के लिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को, जो हमारे पहाड़ी स्टेट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं स्पेशल कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, करना भी चाहिए, क्योंकि वो अपने ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज के चलते कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अब आप देखते हैं कि भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात, आपको इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना पड़ेगा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो आपके यहाँ। दूसरा, आपका जो स्टेट हो वो हिली इलाके में हो, वहाँ की टेरेन मुश्किल हो। अब ऑब्वियस ही बात है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे स्टेट हैं, वहाँ पे हिली इलाका है, ऊपर से इकोनॉमिक बैडनेस बहुत ज़्यादा है, ऊपर से टेरेन बहुत मुश्किल है, ऊपर से जहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स रहते हो, लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो। अब यहाँ बिहार फेल हो गया, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है इंडिया में, और आप बोल रहे हो लो पॉपुलेशन डेंसिटी। हाईएस्ट मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट है, वैसे तो दिल्ली से कंपेयर करने लोगों को ज़्यादा नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि बिहार में बहुत सारे लोग पर स्क्वायर किलोमीटर इलाके में रहते हैं, और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस चाहिए तो पर स्क्वायर जो डेंसिटी है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बिहार पीछे हो गया। सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन है बिहार में, बट उतनी नहीं जितनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। फिर जो स्टेट है, दैट शुड बी स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। अभी भाई हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये कहीं ना कहीं बॉर्डर इलाकों में आता है। क्या बिहार किसी दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? बिल्कुल करता है भाई, नेपाल के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर है बिहार का, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेपाल के साथ रिश्ते ज़्यादातर अच्छे ही रहे हैं, तो नेपाल के साथ बॉर्डर होना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं माना गया बिहार के लिए। इसलिए अब तक बिहार को कहीं ना कहीं इन आधारों पर स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं मिला हुआ है। और अब आप समझ सकते हो कि स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ठीक है ना, फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को एक्साइज ड्यूटी में कंसेशन मिलता है अगर वो एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में धंधा कर रहे हैं। तो सेंटर का जो ग्रॉस बजट है उसका लगभग 30% इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के पास चला जाता है। इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को बहुत सारे स्टेटस वाले स्टेट्स को बहुत सारे डेफ्ट शॉपिंग और डेफ्ट रिलीफ स्कीम्स मिलती हैं। कस्टम्स ड्यूटीज, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स पे भी कभी कभी इनको रियायत मिल जाती है। और
एक साल में जो भी पैसा इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को एलोकेट किया जाता है उस साल के एंड पे खत्म नहीं होता, अगले साल कैरी ओवर हो जाता है। तो इन सब फायदों के चलते इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का बेनिफिट मांग रहा है बिहार, बट मुश्किल है कि बिहार को यहाँ पे बेनिफिट मिले। चूंकि देखिए बिहार ज़्यादातर प्लेन इलाके में आता है, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी भी अच्छी है, वहाँ का जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो बैकवर्डनेस है वो बहुत हद तक इस वजह से भी है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस ने ज़्यादा लोगों के लिए काम नहीं किया है। तो अभी इस आधार पे तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस और पैसा मांगेंगे और पैसे से डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में आपको न्यूज़ काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं रैमोना 6th नेशनल पार्क ऑफ आसाम। अभी के लिए 5 नेशनल पार्क हैं आसाम में, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नामेरी, उरांग, दिब्रू सैखोवा। इसके बाद जो छठा नेशनल पार्क बन रहा है वो है रैमोना नेशनल पार्क, 422 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में। ये आप कह सकते हो कि छठा नेशनल पार्क होगा आसाम का। इसके बाद जो सातवां नेशनल पार्क होगा सुनने में आ रहा है वो होगा ईस्टर्न आसाम का देहिंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देहिंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आगे आने वाले समय में एक नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, चूंकि यहाँ पे अनरेगुलेटेड कोल माइनिंग हो रही है। तो अभी इस रिस्पेक्ट में अभी इस देहिंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सातवां बनाया नहीं गया, बनाया जा सकता है। रैमोना छठा आसाम का नेशनल पार्क बन चुका है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के हिसाब से एक नेशनल पार्क क्या होता है? एक नेशनल पार्क वो एरिया होता है जो कि सेंचुरी के पास हो चाहे ना हो, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। क्यों नोटिफाई किया है कि भाई ये नेशनल पार्क है? क्यों नेशनल पार्क है? चूँकि उसमें इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल और जियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर इलाके को बचाना, उसके अंदर की स्पेशीज़ को प्रोपोगेट करना, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को डेवलपमेंट करना, उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के इलाके के अंदर जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो नॉर्मल कर बैंड होती है, केवल उतनी ही ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है जितनी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट ने अलाउ कर रखी है इन अकॉर्डेंस विद कंडीशंस गिवन अंडर चैप्टर 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये टेक्निकल डेफिनेशन हो गई नेशनल पार्क्स की। ये जो नेशनल पार्क है रैमोना 422 स्क्वायर किलोमीटर का रिपू रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। रैमोना बहुत बड़ा इलाका है, इस रिपू रिजर्व फॉरेस्ट का रैमोना नेशनल पार्क के अंदर एलोकेट किया जाएगा, ठीक है भाई। अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है इसमें हाईएस्ट बायोडाइवर्स फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन है। फ्लोरा मतलब प्लांट डाइवर्सिटी, ओके, फौना मतलब एनिमल डाइवर्सिटी। ये जो रिपू रिजर्व फॉरेस्ट है इसके अगल में एक चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट भी है। तो रिपू रिजर्व फॉरेस्ट और चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट ये मानस टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है। अभी इस रिपू रिजर्व फॉरेस्ट में ही रैमोना जो नाम का इलाका है इसको रैमोना नेशनल पार्क आगे आने वाले समय में कहा जाएगा। अब चूंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात हुई है और आसाम की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप ये देख लीजिए कि आसाम कौन कौन से स्टेट्स के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री लगाता है। तो आसाम की एक बाउंड्री यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ लग रही है, ऊपर भूटान के साथ लग रही है, इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ लग रही है। एक बहुत बड़ा इलाका आपका आसाम का, बहुत बड़ा बॉर्डर आसाम का अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री लगा रहा है। एक बाउंड्री नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो बॉर्डर टच होता ही है आसाम का बांग्लादेश के साथ, तो बॉर्डर दो जगहों पर टच होता है आपको नजर आ रहा है। तो ये आसाम के मैप का बेसिक लेआउट है, याद रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट और जनरल स्टडीज पेपर 1 में प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट से भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, ये आज की लास्ट न्यूज़ है। स्पेस एक्स रॉकेट कैरीज स्क्विड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगातार रिसर्च चलती रहती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जानवर भी ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाते रहते हैं। तो रिसेंटली स्पेस एक्स रॉकेट ने लिफ्ट ऑफ किया है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और यहाँ पे कुछ सप्लाईज जा रही हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। इन सप्लाईज में स्क्विड्स भी हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे टार्डिग्रेड्स भी हैं। अब बोलोगे स्क्विड क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, क्या खाने के लिए जा रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स के लिए? नहीं भाई, ये स्क्विड वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए जा रहे हैं। जो यंग स्पेशीज होती है यूप्रिमा स्कोलॉप्स की, जिसको बॉब टेल स्क्विड बोलते हैं, जिसको इस ट्रिप पे भेजा जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। वहाँ पे बेसिकली होस्ट ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है इसके ऊपर थीसिस होगी। देखिए आपको पता है कि जब भी ह्यूमंस के लिए कोई भी थीसिस की जाती है पहले उसको जानवरों पे किया जाता है। आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ह्यूमंस जाके रहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। अभी इन एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर उस पर्टिकुलर स्पेस के एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे एक्ट करेंगे इस बात की थीसिस करने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किस पे होगा? तो जानवरों पे होगा। इसीलिए स्क्विड्स और टार्डिग्रेड्स वहाँ पे लेके जाए गए। ये जो स्क्विड्स हैं
कि इनको बैक्टीरिया से एक्सपोज किया जाएगा और कुछ स्क्विड्स को बैक्टीरिया से एक्सपोज नहीं किया जाएगा और फिर इनको प्रिजर्व कर दिया जाएगा। कुछ समय बाद जब सप्लाईज वापस आएंगी तो उस टाइम पे ये जो प्रिजर्व स्क्विड हैं जिनको बैक्टीरिया से एक्सपोज किया गया और जिनको नहीं एक्सपोज किया गया, इनको वापस धरती पर लेके आया जाएगा और देखा जाएगा कि ये अलग अलग स्क्विड्स कैसे वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उनके रिस्पॉन्स के आधार पर भाई एस्ट्रोनॉट्स के लिए नए नए सिस्टम्स डिवाइस किए जाएंगे। फिर खास बात ये जो टार्डीग्रेड्स नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको वाटर बियर्स भी कहा जाता है। ये जो टार्डीग्रेड्स हैं ये बहुत लंबे समय तक एक्सट्रीम रेडिएशन में रह सकते हैं, सिजलिंग हीट में रह सकते हैं, कोल्ड टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर सकते हैं यूनिवर्स में, बहुत डेकेड्स तक ये बिना खाने के रह सकते हैं। तो टार्डीग्रेड्स के अंदर इतनी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, तो ये रेजिस्टेंस कैपेसिटी इनके पास आई कहाँ से और ये टार्डीग्रेड्स स्पेस के एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करेंगे, और अगर ये स्पेस के एनवायरनमेंट में कुछ इस प्रकार से रिएक्ट कर जाते हैं कि बहुत लंबे समय तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो उस सर्वाइविंग फिनोमेना को स्टडी किया जाएगा और उससे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डिवाइस की जाएंगी जिससे एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक मिशन पर रह सकें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और उनको ज़्यादा इफेक्ट ना आए। तो ये है यहाँ पे बॉबटेल स्क्विड और टार्डीग्रेड्स, ये दो ऑर्गेनिजम्स को आप कह सकते हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाया गया। फिर कॉटन, एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड डिवाइस, एक मिनराइज्ड ह्यूमन किडनी, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके आई गई हैं। एक्चुअली में मिनियाचराइज्ड ह्यूमन किडनी इसलिए लेके आई गई है क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर रहते हैं, इनको कहीं ना कहीं किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो किडनी स्टोन्स के बनने का प्रोसेस है इसको यहाँ पर स्टडी किया जाएगा ताकि आगे आने वाले समय में वो एस्ट्रोनॉट्स जो कि माइक्रोग्रेविटी में जाकर काम कर रहे हैं उनकी जो किडनी स्टोन बनने वाली समस्या है इसको धीरे धीरे करके सॉल्व किया जा सके। चूँकि देखिए जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाके काम कर रहे हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो रह नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है और इस इम्पैक्ट को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस प्रकार की रिसर्च अक्सर कर साइंटिस्ट द्वारा की जाती है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आई होप आपको कुछ सीख सी यहाँ पे सीखने को मिली होगी। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ स्पेस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस न्यूज़ को शेयर करिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वेबसाइट पर जाकर एक बार करंट अफेयर्स का कंटेंट भी चेक कर लिया करिए, लेटेस्ट बेसिस पे आपको अपडेट होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें सारी नोटिफिकेशंस के लिए।